प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक नए भारत के निर्माण का आह्वान किया है। इसके लिए उन्होंने संकल्प से सिद्धि का नारा दिया है। आज हम चर्चा करेंगे अगले एक घंटे में, ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आह्वान किया है उससे किसानों को किस तरह से जोड़ा जाएगा, उसमें एक्सपर्ट अपनी किस तरह से भूमिका निभाएंगे, युवा पीढ़ी किस तरह से भूमिका निभाएंगे। तो अगले एक घंटे में हम इस पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी कर किस तरह हम नए भारत का निर्माण कर सकेंगे। हमारे साथ सबसे पहले सुनील जी हैं, चतरा से सांसद हैं और लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के सचेतक हैं। हमारे साथ परविंदर कौशल जी हैं, जो कुलपति हैं बिरसा एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय के। इनसे भी हम जानेंगे कि किस तरह जो रोड मैप तैयार करने की बात की गई है किसानों के लिए, वो किस तरह उस पर काम हो रहा है। साथ ही साथ हमारे साथ स्वामी भवेशानंद जी हैं, जो सचिव है रामकृष्ण मिशन झारखंड चैप्टर के। उनसे जानेंगे कि उन्होंने जो किसानों के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है, तो किस तरह से आने वाले दिनों में 2022 तक वो अपनी भूमिका निभाएंगे और किसानों का उत्थान होगा। साथ ही साथ हमारे साथ राजीव कुमार हैं, जो नोडल पदाधिकारी हैं, सॉयल हेल्थ कार्ड जो बनता है, किस तरह से जो जमीन की उर्वरा शक्ति है उसको बढ़ाने की जरूरत है और 2022 तक उसके जरिए किसानों की आमदनी दुगनी होगी। तो राजीव जी अपनी राय देंगे उस पर। साथ ही साथ हमारे साथ बैद्यनाथ महतो जी हैं, ये एक एग्रीकल्चर फार्मिंग के नाम पर इनका झारखंड में बहुत ही बड़ा नाम है। इनका टर्नओवर हर साल करीब 50 लाख रुपए का है और ये ऑर्गेनिक फार्मिंग कई सालों से कर रहे हैं। तो इनसे हम जानेंगे कि किसानों के लिए ये कुछ क्या टिप्स देंगे और क्या मंत्र देंगे जिसके जरिए किसानों का उत्थान होगा। तो हम अपने पैनल से आपको इंट्रोड्यूस करा चुके हैं। हमारे साथ बिरसा एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय के कुछ छात्र हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि किस तरह से वो नए भारत का परिकल्पना जो प्रधानमंत्री रखे हैं उसमें वो अपनी भूमिका किस तरह से अदा कर सकते हैं। तो हमने पैनल से आपका इंट्रोडक्शन कराया, अब हम आपको लेकर चलते हैं प्रधानमंत्री के उस वक्तव्य की ओर जिसमें प्रधानमंत्री ने 2022 तक जो नए भारत का निर्माण करना है उसका प्रारूप उन्होंने किस तरह से हम लोगों के सामने रखा है। भारत जैसे देश में कृषि एक बड़ी आबादी के लिए न केवल जीविकोपार्जन का साधन है बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी। तमाम चुनौतियों के बावजूद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करने की बात कही है। हमारा सपना है 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, आजादी के 75 साल जब हो, हमारे देश के किसान की आय डबल होनी चाहिए, दोगुना होनी चाहिए और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। संकल्प को साकार करने के लिए कई कार्यक्रम चलाए गए, कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई गईं और किसानों की समृद्धि के रास्तों को प्रशस्त किया गया। अच्छी उपज का आधार है मृदा स्वास्थ्य। मृदा स्वास्थ्य को बरकरार रखने एवं किसानों को अनावश्यक आर्थिक बोझ से बचाने के लिए फरवरी 2015 में सॉयल हेल्थ कार्ड योजना की शुरुआत। किसान अपनी फसल औने पौने दाम पर बेचने के लिए मजबूर थे। बिचौलिया कारोबार से मुक्ति एवं किसानों को उनकी फसल की उचित कीमत दिलाने के लिए 14 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय कृषि मंडी औपचारिक रूप से आरंभ की गई। किसान क्रेडिट कार्ड को रुपे कार्ड में बदला गया। उर्वरक संयंत्रों का पुनरुद्धार किया गया। मौसम की जानकारी पंचायत स्तर तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई। पशुपालन और बागवानी को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
मत्स्य पालन और दुग्ध उत्पादन में देश को नई पहचान मिली है। छोटे और मझोले किसानों के लिए कृषि उपकरण बैंक वरदान साबित हो रहे हैं। अनुसंधान और प्रसार का आधार फलक विस्तृत हुआ है, पलायन रुका है, खेती किसानी में महिलाएं भी सशक्त हुई हैं। सारा योजना दें और पंचायत के माध्यम से सारा गांव का विकास हो, गांव का विकास होगा तो प्रखंड होगा, जिला होगा। तो पहले तो पंचायत स्तर पर जो सुविधा मोदी जी का अपने डिजिटल इंडिया के माध्यम से है, वो सुविधा उपलब्ध हो जाने के बाद मतलब गांव में निश्चित है कि गांव विकास करेगा। कुल मिलाकर किसानों को सशक्त, सक्षम और सफल बनाने के लिए कृषि मंत्रालय ने कृषि विकास वृक्ष का विचार अपनाया है और इसके तहत किसानों के विकास हेतु विभिन्न योजनाएं आरंभ की गई हैं। अगर ये योजनाएं तेजी से अमल में आती हैं तो कृषि क्षेत्र का विकास दर बढ़ेगा और इससे 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का संकल्प साकार करना संभव हो जाएगा। अभी हम सुन रहे थे कि किस तरह प्रधानमंत्री ने जो एक टिप्स दिया है और एक नारा दिया है कि 2022 तक हमें नए भारत का निर्माण करना है और किसानों को उन्होंने पिछले 3 सालों में किस तरह से कई योजनाओं की शुरुआत की है जिसके जरिए किसानों की आमदनी दुगनी हो सके। सबसे पहला प्रतिक्रिया हम इस पर लेना चाहेंगे सुनील कुमार जी से। सर, किस तरह से प्रधानमंत्री ने जो नारा दिया है उसमें जनप्रतिनिधियों की कैसी भूमिका होनी चाहिए और किस तरह से उसको हम कोरिलेट करें? इस सरकार ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो नए भारत का एजेंडा सामने रखा है और किसानों की आय जो हमने 2022 तक दुगनी करने का लक्ष्य रखा है, ये मात्र एक नारा नहीं है, क्योंकि भारत का ये अनुभव रहा है कि पीछे की सरकारें एक नारा उछालती थीं और फिर भूल जाती थीं। तो हमने इसको संकल्प के रूप में लिया है और 2022 तक इस संकल्प को सिद्धि के रूप में परिवर्तित करने के दिशा में अनेकों सरकार ने कदम उठाए हैं। खास करके आप जब देखेंगे तो सिंचाई की योजनाएं जो बरसों बरस लटकी रहती थी राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश के स्तर पर भी, तो ऐसे सभी लटकी हुई परियोजनाओं को एक जगह इकट्ठा करके माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में जल संसाधन विभाग ने उसको तुरंत त्वरित गति से अनुमति देने का काम किया है जी। और इस दृष्टि से जब हम विचार करेंगे तो एक झारखंड राज्य की महत्वपूर्ण योजना को की स्वीकृति अभी पिछले ही 16 अगस्त को कैबिनेट के द्वारा दी गई। ये परियोजना है उत्तर कोयल जलाशय परियोजना, जिसकी शुरुआत 1972 में हुई थी और 1993 तक ये पूरा नहीं हुआ और 800 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद इसको रोक दिया गया। अब इस योजना से लगभग देश का 1,25,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होता और ये वैसा भूभाग था जिसको हम अकाल क्षेत्र के नाम से जानते हैं, खास करके पलामू जी। पलामू का लातेहार, डाल्टेनगंज और गढ़वा जिला इससे सबसे ज्यादा लाभान्वित होंगे और इसके साथ साथ बिहार का जो मगध जी, यानी जिसको हम कह सकते हैं कि जो ड्राउट प्रोन एरिया था, जिसको हमने सिर्फ भगवान के भरोसे छोड़ा था और 800 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद सामान्य वन कानूनों के तहत इस योजना को अधूरा छोड़ दिया गया था, उसको सरकार ने स्वीकृति दी है। तो हम ये कह सकते हैं कि लक्ष्य संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में एक पहला पड़ाव है और सिर्फ इसको क्लियर ही नहीं किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, ये स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि 2019 तक हम इसको पूरा करेंगे और इसके लिए जो बकाया राशि थी लगभग 1,622 या 1,623 करोड़ रुपए, ये भी सरकार ने एक मुश्त दिया है और भारत सरकार
आप इसी से सोचिए कि भारत सरकार सिंचाई योजनाओं को कितनी प्राथमिकता दे रही है कि इसका मॉनिटरिंग सीधे सीधे नीति आयोग के सीईओ के अंतर्गत हो रहा है। हम सुनील जी से और आगे इनपुट लेते रहेंगे कि किस तरह से प्रधानमंत्री जी ने जो प्रयास किया है, जो कह रहे हैं सिंचाई को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ है और इस इलाके में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, जो परियोजनाएं पेंडिंग थी उसे शुरू किया जाए। भवेशानंद जी, आप इस इलाके में और ग्रामीण रूट पर आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं, आप जाते रहते हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, तो किस तरह से लगता है कि परियोजनाओं को गति देकर और परियोजनाओं को जो हम गति दे रहे हैं उसमें किसानों का इन्वॉल्वमेंट होने के बाद हमको लगता है कि इस बदलाव में हम जा सकते हैं, प्रधानमंत्री जो आह्वान किया है उसको हम 2022 तक पूरा कर सकते हैं? तो हमारे झारखंड में 90% से ज़्यादा क्षुद्र और प्रांतिक चाषी, तो इसके लिए हम लोग का कोशिश करना है जो क्षुद्र और प्रांतिक चाषी को कैसे उनका आय दोगुना कर सकता है। जैसे यहाँ पे केवल खेती करने से नहीं होगा, खेती के साथ साथ बागवानी, पशुपालन, जैसे यहाँ पे झारखंड में मधुमक्खी पालन, तासर, लाका खेती हम लोग बोलते हैं, लाका खेती करके लाखपति बन सकता है। अब मधुमक्खी पालन करके सात आठ लाख से शुरू कर 12 लाख रुपया तो सालाना में हम लोग का बहुत प्रशिक्षण देने के बाद बहुत किसान कर रहा है। हम लोग का मधु उत्पादक समिति भी बना है जिसके माध्यम से वो लोग उत्पादन कर रहा है और बिक भी रहा है। तो ऐसे ही उसके साथ साथ हम लोग नया एक तो लिया है, जैसे जो बैकयार्ड पोल्ट्री बोलता है, 8 या 10 तो मुर्गी या बत्तख लोग पालन करते थे, हमने एक केज बनाया जिसमें नीचे बत्तख रहेगा, ऊपर में मुर्गी रहेगा, मतलब जो जगह में 8 या 10 तो रखता है वो जगह में 20 तो मुर्गी, मतलब 10 तो मुर्गी 10 तो बत्तख रख। भारत का जो मिशन है स्वच्छ गाँव स्वच्छ घर भी रहेगा, क्योंकि गाँव वाले दिखते हैं बत्तख और मुर्गी रखते हैं, जहाँ पे सोते हैं जहाँ पे खाते हैं वहाँ पे बत्तख मुर्गी रखते हैं, उसमें माल भी गिरता है। देखिए भवेशानंद जी कितनी अच्छी बात बता रहे थे कि किस तरह से जो ग्रामीण सोसाइटी में है और वहाँ पर जो लोगों को रोजगार के आयाम कृषि के जरिए जो दूसरे डायमेंशन है उनके साथ जोड़ा जा रहा है। हम इस बात एक रिएक्शन लेना चाहेंगे परविंदर कौंसल जी से, जिन जो रोड मैप तैयार कर रहे हैं कि किस तरह से किसानों की आमदनी को 2022 तक दोगुना किया जाए, तो एक कार्ययोजना पर भी ये काम कर रहे हैं, तो सर किस तरह से आप जो आप कार्ययोजना दे रहे हैं उसमें कुछ शुरुआती फैक्ट हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आप लोग उस पर काम कर रहे हैं। आज हम झारखंड के संदर्भ में कृषि उत्पादन की बात करते हैं, झारखंड के संबंध में हमारे किसान भाई बहनों की आय दुगना करने की बात करते हैं, तो हमें कुछ चीज़ों के बारे में सोचना होगा। सबसे पहले तो झारखंड की जो हमारी भौगोलिक स्थिति है उसके साथ हमें चलना होगा, क्योंकि हमें एक सुदृढ़ योजना बनाकर उसको सही ढंग से कार्यान्वित करने की आवश्यकता है। आज हम देखते हैं कि हमारे जो झारखंड में 4,423 जो हैं वो पंचायतें हैं और 32,000 से ज़्यादा 623 जो कोई ऐसे इतने गांव हैं, और जब योजना की बात हम करते हैं तो हमें हर ग्राम में हर परिवार तक पहुंचना होगा, ताकि हर किसान को हम अपनी तकनीक कृषि के बारे में वहां तक पहुंचा सकें। इतना ही नहीं, हमारे आज कृषि की जब बात करते हैं तो हमारे जो कृषि योग्य भूमि है अब कम 20 लाख हेक्टेयर जो है 21 लाख हेक्टेयर भूमि पर हम कृषि कर रहे हैं, और इसमें 27% के करीब जो टोटल ज़मीन है हमारे पास इसका जो हिस्सा आता है, और हमारे पास 25% ज़मीन अभी भी जो है वो फैलो लैंड पड़ा हुआ है, और 5 लाख हेक्टेयर जो ज़मीन है वो कृषि योग्य भूमि है जो अभी वेस्ट लैंड के रूप में है। तो ये हमारे पास कृषि सिंचाई की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास 12 से 15% हम सिंचाई कर रहे हैं इस भूमि पर, तो बहुत बड़ा एक पोटेंशियल है सिंचाई को बढ़ाने का। जो हमारी क्रॉपिंग इंटेंसिटी है 125% है, इसका मतलब बहुत ज़मीन है हम जो दूसरी फसल नहीं लेते हैं, तो ऐसी फसलें उसमें लगानी होगी जो कि हमारे जो है कम पानी से उत्पादन बढ़ा सकें, ऐसी उनकी प्रभेद होने चाहिए जो वहाँ पर सर्वाइव कर सकें और उत्पादन बढ़ा सकें। ये सारी चीज़ों का जो है हमारे हमें सोचना होगा। इसके अलावा हमें जो अपने जो किसान भाई हैं बहनें हैं उनको ज्ञान देना होगा, उनकी अवेयरनेस जागरूकता लानी पड़ेगी, जैसा कि स्वामी जी भी बात कर रहे थे, जैसा कि परवेदर जी भी कह रहे हैं कि
रिसर्च तो होना ही चाहिए इस फील्ड में, और साथ ही साथ लोगों को जागरूक भी करने की ज़रूरत है, किसानों को इसमें जोड़ने की भी ज़रूरत है। सॉयल हेल्थ कार्ड की बात आप कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा जमीन में पोटेंशियल है, लेकिन जमीन में उतना ध्यान नहीं दिया गया है। लेकिन प्रधानमंत्री जी के आने के बाद सॉयल हेल्थ कार्ड की बात यहाँ पर हो रही है, जमीन के परीक्षण की बात हो रही है। तो हमारे साथ एक एक्सपर्ट हैं जो सॉयल हेल्थ कार्ड के नोडल अधिकारी हैं, तो हम राजीव जी से जानना चाहेंगे कि किस तरह से सॉयल हेल्थ कार्ड के जरिए आपको लगता है कि जमीन का जो एक उर्वरक क्षमता है उसको हम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। कि राज्य सरकार ने 5 की इंडिकेटर को जो है उन्होंने रखा है, जिसमें की परफॉर्मेंस में हमारा सॉयल हेल्थ कार्ड जो है वो भी एक टॉप प्रायोरिटी में रखा गया है। सरकार की ये मंशा है, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये आह्वान किया था कि सबसे पहले अगर किसान की आय को दुगुनी करनी है तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन को सबसे पहले घटाना है। ये भी एक सबसे बड़ा बिंदु है कि किसानों की आय को दुगुनी करने में। तो उन्होंने एक नारा दिया था कि हर जमीन का जो सॉइल हेल्थ होना चाहिए वो किसानों को पता हो, और उसके अनुसार जो भी फसल लगाते हैं, जो भी उसमें इनपुट देते हैं, बैलेंस डोज में फर्टिलाइजर का उसमें उपयोग करें, ताकि किसान को जो है लागत खर्च में कमी आ जाए और फसल उत्पादन में उसकी वृद्धि हो। तो इसके लिए राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर यहाँ पर सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों के बीच में वितरण करने का लक्ष्य रखा है इस बार। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस फाइनेंशियल ईयर में, वित्तीय वर्ष में, 25 लाख किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन करने का लक्ष्य राज्य सरकार ने, विभाग ने निर्धारित किया है, और इस दिशा में जो है विभाग तेजी से काम कर रही है। मैं एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हमारे पास जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, चाहे बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है, KVKs हैं, हमारे राज्य के बहुत सारे सॉयल टेस्टिंग लेबोरेटरीज़ हैं, इसके अलावा हम लोगों ने बाहर से हायर करके कुछ लेबोरेटरीज़ को यहाँ पर स्थापित किया है जिलों में, ताकि इसकी गति को और बढ़ाई जा सके। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने हर पंचायत लेवल पर सॉयल हेल्थ कार्ड का जो है एक लैब, मिनी लैब जो है मृदा परीक्षक, उसको डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम किया है, ताकि वहाँ के लोकल यूथ जो हैं हमारे जी, जिसमें आड़िया है, मित्र किसान हैं, महिला मंडल हैं, उनको हम लोगों ने दिया है कि ताकि सॉयल हेल्थ का वहीं पर टेस्ट हो उसका, उसी के पंचायत में, और उसको ये जानकारी दे दी जाए उसी जगह पर कि आप जो क्रॉप लगाने जा रहे हैं फ्यूचर में, उसमें कौन कौन से खाद का इस्तेमाल करना है, कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है। और उसमें हम लोगों ने एक चीज़ का ध्यान ये भी रखा है कि सेक्टर वाइज अगर आप जाएं, किसी जिले में जाएं, किसी गांव में जाएं, तो बहुत से फर्टिलाइज़र जैसे नीम कोटेड यूरिया है, DAP है, फॉस्फोरस है, पोटास है, तो हर जगह अवेलेबल नहीं रहते हैं। तो जो भी फार्मर्स में जो लोकली अवेलेबल फर्टिलाइजर्स उपलब्ध हैं उनके पास, वो फर्टिलाइजर का रिकमेंडेशन किया जाए, ताकि किसानों को वहाँ आसानी से उपलब्ध हो सके। राजीव कुमार जी से हम जान रहे थे कि किस तरह सॉइल हेल्थ कार्ड के जरिए मृदा का परीक्षण करके उसकी उर्वरक क्षमता को हम बढ़ा सकते हैं, उस पर जोड़ हो रहा है। हमारे साथ एक बैद्यनाथ महतो जी है, उनसे हम जानेंगे कि एग्रीकल्चर जो वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, अपना उत्थान तो ये कर ही रहे हैं, किसानों को किस तरह से कुछ वो टिप्स देंगे ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 2022 तक का जो आह्वान किया है उसको हम किस तरह से कर सकते हैं। बैद्यनाथ महतो जी जरा बताइए। सबसे पहला जो हेल्थ कार्ड इशू हुआ वो तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे जमीन में, जिस जमीन पर हम खेती करते हैं उसमें क्या कमी है, उससे ये जानकारी मिलता है कि जो भी तत्व हमारे ज़मीन में कमी है उसका हम पूरा करें सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से। मैं किसानों को यह कहना चाहूँगा कि 2022 में किसानों की जो आमदनी है उसे दुगुना करने का संकल्प है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, लेकिन इसके लिए किसानों को बहुत सा जानकारी देना होगा, खेती से संबंधित जो भी जानकारियां हैं। आज तक स्वतंत्र भारत के बाद अभी तक जो किसानों का स्थिति उस समय था और अभी भी जो है उसी के अनुरूप अभी भी है। हम लोग जैविक खेती करते हैं और जैविक खेती करके मात्र 1-2 किसान से इस देश का विकास संभव नहीं है, लेकिन जब हम जैविक खेती करते हैं तो हमारे ज़मीन में जिस तरह की जो कि कमियाँ हैं, जब हम आज तक हमें तो ये जानकारी नहीं कि हम कौन सा खाद का कितनी मात्रा में हम अपने ज़मीन में प्रयोग करें, और अगर हमें इसकी जानकारी हो जाए तो मेरा जो ज़मीन का उर्वरा शक्ति है उसका जो ह्रास हो रहा है वो ह्रास नहीं होगा, और जब हमें ये जानकारी होगी तो हम संतुलित मात्रा में अपने ज़मीन पर, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या तो रासायनिक हो, उस खाद का हम लोग सदुपयोग कर सकते हैं।
और जब हम इसका सदुपयोग सही मात्रा में सही क्वांटिटी में करेंगे तो मेरा ज़मीन हमेशा उपजाऊ बना रहे। और ख़ास करके मैं जैविक खेती के बारे में बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो अपना सबसे पहला जो कंपोस्ट है, जो खाद है, गाय का गोबर या तो का प्रयोग करते हैं, जो भी हो कंपोस्ट, उसके अलावा तरह तरह के रासायनिक खादों का भी प्रयोग करते हैं। और अभी बाज़ार में बहुत तरह का नीम का खली, करंज का खली, बहुत सा जैविक उत्पाद हैं जो कि खाद के रूप में भी काम करते हैं और दवा के रूप में भी, तो उस तरह का भी यूज करते हैं। लेकिन किसकी कितनी मात्रा हमें यूज करना है, अगर हमें रासायनिक खाद का यूज करना है तो कितनी मात्रा में हमको रासायनिक खाद का पर एकड़ के हिसाब से हमें यूज करना है और कितनी मात्रा में हमको जैविक खाद का यूज करना है, ये किसानों को इसकी जानकारी नहीं है। तो मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से, या तो हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास जी से ये आशा करते हैं कि ऐसी जानकारी किसानों को दी जाए गांव स्तर पर, पंचायत स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर, जिससे कि किसान के पास जो कमी है, जो ज्ञान की कमी है खेती करने के लिए, वो ज्ञान परिपूर्ण हो। जब उनके पास में ज्ञान खेती करने की होगी तो वे अच्छे ढंग से अपना खेत में खेती कर सकते हैं, चाहे वो जैविक खेती हो या रासायनिक खेती हो। जैसे आप बात कर रहे हैं कि जैविक खेती के जरिए या रासायनिक खेती के जरिए, तो आप प्रधानमंत्री जी से अपेक्षा रख रहे हैं कि किस तरह से सहयोग होना चाहिए और किसानों को जागरूक किया जाना चाहिए। एक चीज़ और, प्रधानमंत्री ने कल भी अपने वक्तव्य में एक चीज़ कहा कि किसानों के लिए बीज और बाजार, मतलब बाजार एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है, कि बाजार अगर उनके घर तक पहुंच जाएगा, किसानों को उनकी जानकारी मिलेगी कि हमारा प्रोडक्ट कहां पहुंचे तो हमें फायदा होगा, तो प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा फोकस है कि बीज और बाजार उनके घर तक हम पहुंचाएंगे। तो इसके जरिए जो 2022 की परिकल्पना है उसको हम पूरा करेंगे। आप ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़े हुए हैं, तो किस तरह से लगता है कि बाजार आपके लिए अनुकूल बन रहा है और जो प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि किसानों की आमदनी इससे दुगनी होगी, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग हो या रासायनिक फार्मिंग हो, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का इसमें बड़ा रोल होगा? आने वाला समय में तो बड़ा रोल होगा, लेकिन अभी वर्तमान में हम लोग जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं और जो हमको ऑर्गेनिक फार्मिंग के जरिए जो हम अपना प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, जो हमको रेट मिलना चाहिए, अभी तक हम लोग को उसी रेट में, जिस रेट में हमारा रासायनिक प्रोडक्ट बिकता है उसी रेट में मेरा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी बिक रहा है। तो अभी तो हमें कुछ भी जो है अपेक्षा या कुछ भी आशा अभी नहीं लग रहा है, लेकिन आने वाला समय में, ये जो 2022 की बात कर रहे हैं कि 2022 में किसानों का आमदनी दुगुना किया जाएगा, लेकिन 2022 ही क्यों, 2019 तक में ही किसको क्यों नहीं दुगुना किया जा सकता है? इसका भी उपाय होने चाहिए। 2022 क्यों निश्चित किया जाए, 2019 क्यों निश्चित किया जाए कि 2019 में ही किसानों का आमदनी निश्चित दुगुना किया जाए? जब हम एक किसान हैं, हम खेती करते हैं, जब अगर ये हमारे खेत में हमें जानकारी है, हम अच्छा ढंग से खेती करते हैं और अगर एक फसल मान लेते हैं कि पर एकड़ हमें 3 से 4 लाख रुपए आमदनी होती है, तो मेरा तो 3 महीना में मेरा जो आमदनी हो दुगुना हो रहा है। तो पूरे भारतवर्ष में ठीक है, बहुत हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और बहुत बड़ा देश है, तो समय लगेगा, लेकिन 2022 तक क्यों ना, इसकी ये जो टेक्नोलॉजी है, जिस तरह से हमें खेती करने का ढंग है, क्यों ना 2019। मैं तो जी आपको हम थोड़ा बीच में रोकना चाह रहे हैं, हमारे साथ ऋषि साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। सर, किस तरह से कार्य योजना पर आप जो पहना जी ने अभी बताया कि एक तो जैविक खेती के बारे में बात की है, दूसरा आपने अभी बीज के बारे में बात की। जैविक खेती की बात करें हम तो झारखंड बाय डिफॉल्ट कह सकते हैं ज़्यादातर ये जो है जैविक ही है, सिर्फ जैविक खाद डालने से नहीं, बहुत जगह हम लोग फर्टिलाइजर यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। इसमें पहली चीज़ हमें देखनी होगी कि जब हम बात कर रहे थे कि जब तक हमारे किसान जागरूक नहीं होंगे कि उसकी ज़मीन कैसी है, जैसे सॉयल हेल्थ कार्ड की बात हुई है, और उस ज़मीन में उसने कौन कौन सी चीज़ें डालनी है, और हमें उनको उनका कौशल विकास करना है, उनको जब तक जानकारी के बाद तकनीकी जानकारी नहीं दी जाएगी और ट्रेनिंग्स नहीं दी जाएंगी तब तक उनको अब पता नहीं होता। हमारे अभी मुखिया की ट्रेनिंग चली हुई है प्रदेश में, 1200 से ज़्यादा प्रदेश सरकार ने निश्चय किया था, फैसला किया था कि मुखियाओं की 1200 से अधिक जितने मुखिया हैं उनको ट्रेनिंग दी जाए। 3 जगह ट्रेनिंग अभी चली हुई है, आपको जानकारी हम दे दें, एक विशाख कृषि विश्वविद्यालय में है, एक रामकृष्ण मिशन उसमें है, और विकास भारती कर रहे हैं, और चार स्टेज कम्प्लीट हो जाएगी। इसके बाद 12,000 किसानों की ट्रेनिंग, जो आप बात कर रहे हैं जैविक खाद की बात कर रहे हैं, मशरूम ट्रेनिंग है, इसके आपके किसानों की मधुमक्खी पालन की बात है, सुकर पालन की बात है, बकरी जो है पालन की बात है, मुर्गी पालन, जो आपने कहा ना कि 2019 तक क्यों नहीं, यही चीज़ है, क्योंकि हमारे किसानों की जो भूमि की बात करें तो छोटी छोटी भूमि है, बहुत बड़े नहीं है, 1 हेक्टेयर से ज़्यादा एवरेज जो है होल्डिंग्स नहीं है, तो उनको जो दूसरी चीज़ें जो है उसके साथ मिलकर चलना होगा। और सबसे जल्दी जो होने वाला काम है वो है
हमारे मुर्गी पालन जो लोग करते हैं उनको अच्छी नस्ल की मुर्गी मुहैया करनी होगी, और उसमें हमारे झारसिम विश्वविद्यालय ने जो है विकसित की है उसका हम लार्ज स्केल पे अच्छी ब्रीड वो पुराने कोशिश कर रहे हैं, सरकार पूरा इसमें हमें सहयोग दे रही है। उसके बाद शुक्र पालन जो एकदम हमारे प्रदेश में बहुत किसान जो है शुक्र पालन करते हैं, और शुक्र पालन में भी विश्वविद्यालय जो है हमारा कृषि विश्वविद्यालय एक विश्वविद्यालय है प्रदेश में, उन्होंने इस विश्वविद्यालय में हम लोगों ने झाड़ शुक्र के नाम से नई विकसित ब्रीड वो हमारे झारखंड में ही नहीं सारे ईस्टर्न पूर्वी में और यहाँ तक आसाम और वहाँ तक जो लोग जो हैं इसको पालते हैं और बहुत पसंद है। काले उसके रंग की है और इसका मीट भी बहुत स्वादिष्ट होता है और जो लोकल है उससे 3-4 गुना जो है उसी समय में तैयार हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं, ये जो असली नस्ल है हर घर में हर गांव में पहुंचानी है। उसके लिए हमारे जो ट्रेनर्स अब ट्रेनर्स की बात में हम करेंगे कि सरकार ने फैसला किया तो हम करने वाले हैं हर गाँव में पहले चरण पे पंचायत लेवल पे होगा 4-4 ट्रेनर्स होंगे, जैसे शुक्र पालन के लिए हो गया ठीक है, बकरी पालन के लिए हो गया, मुर्गी पालन के लिए हो गया, इस तरह से जो है एक एक ट्रेनर जो है आर्या जो अभी बात कर रहे थे हम उनको सेलेक्ट किया जाएगा, यूथ जो है हमारा उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और ये शुरू हो रहा है जी। ये हमारे जो मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया था पीछे और हम जल्दी इसको कार्य रूप देने वाले हैं जी। इसके उपरांत जो है हमारे जो नवयुवक हैं हमारे विश्वविद्यालय में हमने कुछ सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्सेज किए हैं जो कि 6 महीने और 1 साल में हम तैयार हो जाएंगे जी। तो उससे इमीडिएटली जो है लोग जो 6 महीने और 1 साल वाले ट्रेनिंग वाले होते हैं वो जॉब्स नहीं ढूंढते हैं, वो गांव में जाके काम करने वाले लोग हैं जो कम पढ़ाई जिनकी हो रखी हुई होती है उनके लिए ट्रेनिंग देके वो गांव में जाएंगे। उसके उपरांत टेक्निकल एक बस लास्ट हम बताना चाहेंगे टेक्निकल के लिए हमारे जो आज बच्चे कृषि विश्वविद्यालय से भी आए हुए हैं BSc एग्रीकल्चर के हैं, BSc वेटरनरी एनिमल हस्बेंड्री के हैं, BSc फॉरेस्ट्री करके आए हुए हैं, इनकी योग्यता ध्यान में रखते हुए सरकार को इनको उसके जो है ज्ञान को यूज करना चाहिए, उसके लिए सरकार को ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहिए तो ये खाली ना बैठे और उनको चाहे सरकार के जितने पोस्ट वगैरह हमारे खाली तुरंत इसमें लगा के हमारे किसानों को जो 4 साल का लक्ष्य है तकनीकी जानकारी ये देंगे करवाएंगे जी जी, तो ये बहुत जरूरी है। तो इस तरह की योजना तुरंत बनाने की आवश्यकता है। परविंदर कौशल जी ने कह रहा है कि किस तरह से रोजगार के भी आयाम जो नए छात्र आ रहे हैं उनके लिए भी बनना चाहिए ताकि वो खेती बाड़ी में अपना योगदान दे, साथ ही साथ एग्रीकल्चर के जो दूसरे डायमेंशन है उसके साथ किसानों का फायदा हो। जैसे उन्होंने बताया कि मधुपालन का है या जो दूसरे ब्रीड डेवलपमेंट किए जा रहे हैं तो उसके जरिए मांस का जो कारोबार है उसमें भी किसानों के जरिए आमदनी हो सकती है। सुनील कुमार सिंह जी भी कुछ कहना चाहते हैं, हम लेंगे इनका रिएक्शन, लेकिन इस बीच हम पहले जाएंगे उन बच्चों के बीच जो हमारे भारत के भविष्य हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो जो जानकारी ले रहे हैं एग्रीकल्चर में अपनी डिग्री और डिप्लोमा ले रहे हैं साथ ही साथ फिशरीज कर रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री के कोर्स में है तो वो किस तरह से प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया है उस पर वो अपनी भूमिका को किस तरह से देखते हैं और वो देश को क्या योगदान दे सकते हैं। तो हम कुछ बच्चों से राय लेंगे और कुछ स्टूडेंट से राय लेने की कोशिश करेंगे जी। मेरा नाम मनोज कुमार है जी। मैं भी एक कृषि, मेरे पिताजी भी कृषि ही करते हैं जी, और मैं BSc एग्रीकल्चर कंप्लीट कर चुका हूं और अभी PG कर रहा हूं जी। मैं देखता हूं सर कि जो हम लोग टेक्निकल जितना भी हम लोग सब कुछ कर रहे हैं टेक्निकली रिसर्च कर रहे हैं जी, वो चीज़ ज़्यादा फील्ड में पहुंच नहीं पा रहा है जी, जिसके लैकिंग के चलते अभी भी किसान लोग उसको वो रिसर्च का जो अगर पूरा आउटपुट उसके पास नहीं जा रहा है तो उन लोगों को समझ भी नहीं आ रहा है करना क्या है जी। तो अगर हम लोग डिसिमिनेशन अगर इन्फॉर्मेशन का अगर ग्राउंड लेवल में अगर अच्छा से कर देंगे जी, तो किसान लोग जरूर उसका फायदा उठाएंगे। और कोई है हमारे बीच में? सर, एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए जैसे सरन कहा कि एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए उससे सहयोगी चीजों को भी बढ़ाना बहुत जरूरी है जी। फॉरेस्ट्री के एग्रीकल्चर सिर्फ मतलब देखा जाता है कि मौसम खराब है, मौसम नहीं मतलब अच्छा नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से जो पौधे हैं वो नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो फॉरेस्ट्री मतलब एक ऐसा है, पेड़ ऐसे चीज हैं जो एनवायरमेंट को अच्छा करते हैं, तो उसको बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। और उसको बढ़ावा देने के लिए बहुत जरूरी है कि जो हम लोग के स्टूडेंट है, जो फॉरेस्ट्री के स्टूडेंट है, उनको उसमें लाया जाए, जो कि हम लोग की उन्नति हो ही नहीं रही है। अभी का है एग्रो फॉरेस्ट्री चल रहा है, ये है कि एक जगह पे आप एग्रीकल्चर को भी और फॉरेस्ट्री को भी ये कर रहे हैं, तो इसके लिए ठीक है। आपकी बात हम समझ गए। कोई और है जो अपनी राय रखना चाहते हैं जी? मैं निकिता सिंह हूँ, फैकल्टी ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंस। मैं ये बताना चाहती हूँ कि जमीन रबड़ नहीं होती है जी। आप उसको 10 एकड़ से 20 एकड़ नहीं कर सकते जी। बट
अगर आप एनिमल्स की बात करें तो आप एक साल में 10 एनिमल्स से 100 एनिमल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो आपका तो किसानों का ये हेल्प होगा कि दुगुनी आमदनी को दुगुनी करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मतलब कि आपको एग्रीकल्चर से अगर 100 ही केजी पूरे साल में प्रोड्यूस हो रहा है, बट इससे आप और ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसके लिए वेटनेरियंस का अगर आप फील्ड में आप अप्लाई करें, बहुत वेटनेरियंस की बहुत कमी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो हमारे जो मिनिस्टर बैठे हैं यहाँ पे, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इम्पॉर्टेंस समझे वेटनेरियंस का, एग्रीकल्चर का, फॉरेस्ट्री का, इन तीनों का इम्पॉर्टेंस समझ के उनको फील्ड में लाएं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकते प्रोडक्शन में। जो वो कह रहे हैं कि 2019 में ही वो क्यों ना हासिल की जाए, ठीक है। तो वो और कोई है जो अपनी दीजिए पीछे। सर, मेरा नाम विष्णु प्रभाकर है और मैं वेटनरी कॉलेज से हूँ जी। सर, अगर ग्राउंड लेवल पर बात किया जाए तो हम लोग को क्या है कि एक किसान को हम लेते हैं और किसान की आय जो होती है तो उसकी दो, वो खेती करता है और उसके पास पशु होता है जी। तो हम लोग इंडिया में रह रहे हैं और इंडिया एक कृषि प्रधान, एक क्या है, कृषि प्रधान प्रदेश है जी। और यहाँ पे ज़्यादातर डिपेंड रहते हैं हम लोग मानसून पे, और मानसून में अगर समझिए कि मानसून में अगर वो कृषि अच्छे से करते हैं वो रिच हो जाते हैं, पर कभी नॉन मानसून में वो क्या हो जाता है कि उनकी जो है उनके पास कुछ नहीं है। अगर उनके पास सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम पशु के रूप में अगर नहीं रहता है तो उनकी तो सारी रिच और यहाँ पे वो क्या एक तरह की आय तो सारी चली जा रही है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि वो फिर तो एवरेज हो जा रहे हैं। तो हम लोग का मेन क्या है मुद्दा कि कम खर्चे में ज्यादा मुनाफा लाए, मेन बात ये है। अगर उनके पास कम खर्चे को कम कर दिया जाए तो मुनाफा अपने आप डबल हो जाएगा। तो खर्चा कहाँ है, तो अगर हम पशुपालन की बात करते हैं तो जैसे चारा हो गया, वैक्सीनेशन हो गया, रोग हो गया, मतलब सारे आयामों पे जोर देने की जरूरत है, ठीक है। आप लोगों के पास हम फिर दोबारा आएंगे, इस बीच हम सुनील सिंह जी से जानेंगे कि किस तरह से बच्चों में जो जिज्ञासा है और जो उत्साह है कि किस तरह से किसानों की आमदनी होनी चाहिए, उसमें उनकी भूमिका को बढ़ाने की जरूरत है। देखिए, दो तीन चीजें उभर के आई हैं जी जो हमने डिस्कशन किया जी। एक तो जैसा बैजनाथ जी ने कहा कि 2022 क्यों, 2019 क्यों नहीं। दूसरी बात, लैब से फील्ड तक का गैप जी। फिर थर्ड, बीज और बाजार जी। और फिर एग्रीकल्चर और उसके साथ जो एलाइड एक्टिविटीज हैं, गतिविधियां हैं ये जी। तो ये चीज़ें, इन्हीं चीज़ों का समाधान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये अभियान चलाया है। ऐसा नहीं है कि 2019 क्यों नहीं, हम तो 2017 में भी कोई चाहेगा जी। तो एक संकल्प से सिद्धि तक को हमने भारत के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत से जोड़ने का काम किया है जी। क्योंकि भारत में कृषि सिर्फ आर्थिक जीविकापार्जन का एक माध्यम नहीं जी, बल्कि यहाँ हम कह सकते हैं कि सांस्कृतिक रूप से दो पद्धतियाँ रही हैं, जिसमें एक कृषि संस्कृति रही है और एक ऋषि संस्कृति रही जी। है उस देश में अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने की दिशा में हमने 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, चूँकि बहुत नौजवान यहाँ बैठे हैं इसलिए मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ। तो भारत के नौजवानों ने 1942 में देश को स्वतंत्र कराने का एक लक्ष्य लिया था जी। और उस दृष्टि से जब इतिहास का थोड़ा हम अवलोकन करेंगे तो 42 से 47 का कालखंड लगातार उस संकल्प को पूर्ण करने के दिशा में चला जी। और 5 साल के अंतराल पर हमने 1947 में आजादी प्राप्त की। आज हम उसकी 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं जी। और 2022 में जी स्वतंत्रता के आंदोलन की 15 अगस्त को हम फिर 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे जी। तो इस रूप में एक टाइम पीरियड हम लोगों ने तय किया, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारें तो बिना टाइम के नारा उछालती थी जी। और इसीलिए उसको पूरा करने के दृष्टि से हमने इसको उठाया है। तो हम चलते हैं उस विविधता की ओर और जानते हैं कि हमारे किसानों की क्या जिज्ञासाएं हैं और वो जो कुछ सवाल हम लोगों से कर रहे हैं वो भी हम सुनेंगे जी। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी का ये कल्पना है, ये मिशन है कि अगले 5 वर्षों में 2022 तक हमारे किसानों का जो आमदनी है, जो इनकम है, वो डबल हो जाए। देश के विकास के लिए हमारे जो गांव क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पर सड़क होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए, शिक्षा का व्यवस्था अच्छा होना चाहिए और हमारे युवा भाइयों के लिए रोजगार होना चाहिए। पानी का व्यवस्था नहीं, तो बिजली जब तक नहीं होगा तो शिक्षा कैसे आगे बढ़ेगी। अपने बेरोजगार युवकों को रोजगार दें और सिंचाई और बिजली, सड़क, इन सब के लिए थोड़ा ध्यान दें। जो
आदमी का बुनियादी सुविधाएं चाहिए, वो अभी तक कोई भी चीज हासिल नहीं हुआ। गर्भवती महिला से लेकर बच्चा, बूढ़ा, विकलांग सबको हमको रोजगार से जोड़ना है। ये नहीं देना है कि उसको पेट चलाने के लिए उसको खाना नहीं चाहिए, उसके ऊपर ऐसा होने दीजिए कि वो खुद अपना पैर पे खड़ा होकर वो अपना खुद अपना किसी के वो आगे हाथ न फैले। हमारे नौजवान साथियों को रोजगार से जोड़ना चाहिए, कौशल विकास पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मंत्री परिषद योजना कितना बना और जितने लैप्स हो गए सब पैसे चले गए और वो पैसा एक एक तरफ बिठा दिया जाता बिठा कर ही है तो शायद पूरी हो जाती, लेकिन वो पैसा का हिसाब किताब तो खोलिए। जो आता है जो लड़वाली करने आता है वही देश के विकास के लिए हमारे जो गांव क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पर सड़क होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए, शिक्षा का व्यवस्था अच्छा होना चाहिए और हमारे युवा भाइयों के लिए रोजगार होना चाहिए। इसका ये बताइए कि आने वाले 5 वर्षों में कैसे किसानों की आमदनी डबल होगी, आप लोग भी कृषि में विद्यार्थी भी। देखिए किसान हमारे काम करते हैं तो ऑब्वियस बात है कि उनके लिए हम लोग को भी कुछ वर्क करना पड़ेगा, तो अगर हम मिडिल मैन को हटा दें, जैसे कि अगर हम कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं और हमारे किसान के जाने कि हमारे बीच में एक मिडिल मैन होता है जो उनके पास जाता है उनका और वो टोटल अमाउंट हम लोग किसान तक नहीं पहुँच पाता है और बेनिफिट उनको नहीं मिल पाता, तो हम लोग नबार्ड के थ्रू हम लोग FPOs खोलते हैं, तो उसमें हम लोग मिडिल मैन को अगर हटा दिया जाए तो उनका बेनिफिट होगा। प्लस हम लोग इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम कर सकते हैं जिसमें हम लोग एग्रीकल्चर के साथ साथ अलग अलग चीज़ें बी कीपिंग और भी लाइफ स्टॉक वगैरह रख सकते हैं जिससे हम लोग को फार्मर्स को बेनिफिट हो सकता है। अभी हम देख रहे थे पूरे झारखंड के किसान और दूसरे जो यूथ है उनकी भी हम राय जो जान रहे थे, वो भी कुछ सवाल कर रहे हैं। हमारे साथ अभी कुछ और भी ऑडियंस में लोग बैठे हुए हैं, हम उनसे भी एक बार और सवाल ले लेंगे, उसके बाद एक्सपर्ट सारे लोग बोलना चाह रहे हैं कि क्या क्या बोलेंगे और बहुत सारे जो सवाल आए हैं इनके मन में भी उनके जवाब है, तो वो जवाब भी हम क्विक लेंगे, लेकिन इस बीच तब तक हम कुछ सवाल और ले लेते हैं। हमारे साथ ऑडियंस सारे लोग हाथ उठा रहे हैं, तो कृपया। मेरा प्रश्न माननीय सांसद सुनील सिंह जी से है, क्योंकि उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब पलामू, चतरा, लातेहार का इलाका पूरा सुखाड़ क्षेत्र रहता है, किसान तो उत्पादन करते जरूर हैं लेकिन पूरे क्षेत्र में भंडारण की कोई व्यवस्था नहीं है, तो मैं जानना चाहता हूं कि जो किसान उत्पादन करते हैं उसके लिए सरकार के स्तर से भंडारण की व्यवस्था है कि नहीं है, उसके लिए कोई योजना बनाई जा रही है नहीं जा रही। क्विक सवाल इधर इधर दीजिए जरा, ये पूछना चाह रही है हमारे देश की आधी आबादी के साथ, प्लीज चलिए। के बारे में बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, पर सर हम लोग के पास मेडिसिनल रिचनेस बहुत ज्यादा है, हमारे जंगल में भी बहुत सारा मेडिसिनल रिचनेस है, अगर हम लोग उसका कल्टीवेशन करते हैं तब भी हम लोग का 2020 तक जो एग्रीकल्चर में है उसका मतलब कि डबल हो सकता है उन लोग का इनकम। और सर हम लोग का जो स्किल है फॉरेस्ट्री में, सर हम लोग फॉरेस्ट मतलब कि बहुत सारे हम लोग स्किल जो है उसका प्रॉपर यूज नहीं हो पा रहा है। सर हम लोग जानते हैं कि हरमू में जैसे कि वाटर टेबल डाउन हुआ था, उसको कौन सा हम लोग ट्रीज लगाएंगे तो हम लोग का वाटर टेबल अप हो सकता है, हम लोग कौन सा एवेन्यू प्लांटेशन रोड साइड करेंगे तो हम लोग कैसे हम लोग अपने मतलब कि पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, सर ये सब चीज का हम लोग का यूज नहीं हो पा रहा है। और हम लोग का जो इतना भी डाइवर्स मतलब स्किल का यूज होना चाहिए ये आप उम्मीद रख रहे हैं साथ साथ जी। हमारा कहना ये है सर कि जैसा कि कृषि के कृषक के आय को बढ़ाने की बात हो रही है, तो सर कृषक के आय के बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा चीज केवल और केवल कृषि नहीं है, कृषि के अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे में लैफ कल्चर, स्वामी जी ने जैसा कहा लैफ कल्चर, ये अभी झारखंड में बहुत अच्छी तरह से हो रहा है सर, लेकिन कुछ ही जगहों पर हो रहा है, उसको हर जगह पर करने मतलब कृषि को दूसरे डायमेंशन के साथ जोड़ने की जरूरत है। और कोई है जो क्विक में सवाल, पीछे जरा दीजिए माइक। जैसा कि हमारे कुलपति महोदय ने कहा कि हमारी भौगोलिक स्थिति यह है कि यहाँ जमीन समतल नहीं, उबड़ खाबड़ है, ठीक है, और आदिवासी संस्कृति यहाँ पे बहुत है, तो जो पशुपालन की ओर ध्यान देते जो कि साल भर किया जा सकता है, एक स्पेसिफिक टाइम नहीं है, अगर हमें मोबाइल वैन्स उपलब्ध कराया जाए ताकि हम गांव तक अपनी एक्सपर्टीज को पहुंचा सके, और जो एक ही एक्सपर्ट को बहुत सारे क्षेत्र दे दिया जाए, मतलब सुविधाओं के विस्तार की जरूरत है। और कोई एक दो सवाल और पूछिए। सर मेरी बात पूरी नहीं हुई थी, कुछ मैं और भी कहना चाहता हूँ। सर खर्चा मेनली है कि खर्चा को कम करना किसान का, तो सर खर्चों में जो है जब तक आप उसको साइंटिफिक नॉलेज नहीं देते, आप चारा खिला रहे हैं तो कितना खिला रहे हैं, आपको जब तक साइंटिफिक नॉलेज नहीं उसको पता चलेगा तो कहाँ से वो होगा, उसको रोग हो जाता है। उसी में यूथ की भूमिका है, जो आप एक्सपर्टीज लेके आ रहे हैं उसको उनको पहुँचाना है। जी और कोई सवाल देखिए लास्ट में दीजिए माइक उनको।
जैसा कि बात हो रहा है कि सर यहाँ पे मॉनसून का बहुत प्रॉब्लम है, रिलेटिंग टोपोग्राफी है, तो सर एक टेक्निक है डोगा जो कि हमारे यूनिवर्सिटी से इजाद की गई है, 5 लाख डोगा बना भी था एक बार, पर सर उसको हर फार्म लेवल तक पहुँचाने की जरूरत है ताकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो और ऑफ सीजन में जो कि रबी का सीजन है उसमें पानी अवेलेबल हो। तो दूसरा बात है कि सर टमाटर यहाँ पे हर साल देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाता है, प्रोसेसिंग यूनिट्स खोलने की भी बात हुई है जी। लेकिन सर बात ये होता है कि जो वैरायटी हम लोगों को केचप या सॉस बनाने के लिए चाहिए वो किसान उगाते नहीं जी। तो सर अगर प्रोसेसिंग यूनिट पे कुछ काम हो रहा है तो उसको किसान के साथ कोलैबोरेशन में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके कि सर उनको सीड्स पहुँचाया जाए और सर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने की बहुत ज़रूरत है जी। तीसरा पॉइंट है कैसा कि जैसे नीम कोटिंग वो जो है तकनीक उसका इस्तेमाल किसानों को होना चाहिए। लास्ट में एक आखिरी सवाल है ये जी। तो मैं जनरली गांव में देखता हूँ कि हमारे विश्वविद्यालय से या फिर कैंपस से वहाँ तक टेक्नोलॉजी तो जाती है जी। सारे सीड हो सर जी, बीज है, जितने भी प्लांटेशन के जो पौधे हैं जाती है, बट वहाँ के किसान जागरूक नहीं, उनको पता नहीं कि इसको लगाने से वो कितना बेनिफिट होगा, उसके जो विधि है लगाने की वो कैसी होंगी, बस दे दिए जाते हैं उसके बाद प्रॉपर जो चैनल है वो सही प्रकार हो नहीं पाता है, इस वजह से प्लांटलेट जो है बर्बाद हो जाते हैं, किसान चाहता नहीं कि हम लगाएं उसे जी। तो मतलब किसानों को इसके लिए प्रेरित करने की जरूरत है। ठीक है, और कोई एक आखिरी सवाल मैं ले रहा हूँ, ठीक है, उस तरफ कोने में आपके पीछे हैं, दीजिए उनको माइक। इसको बढ़ावा देने की बहुत जरूरत है, जैसा देखा गया है कि बाकी प्रदेशों में क्या होता है कि ग्रीन हाउस और पॉली हाउस में कल्टीवेशन करने से जो यील्ड है वो 2 गुना 3 गुना बढ़ जाता है, तो हमें झारखंड में भी ग्रीन हाउस और पॉली हाउस को बढ़ावा देने की जरूरत है ताकि यील्ड बढ़े और यील्ड से अल्टीमेटली किसान का इनकम भी बढ़ेगा। ठीक है, आप लोगों की राय और सवाल हमने सुना है। पहला कमेंट हम सुनील सिंह जी से लेना चाहते हैं कि किस तरह से जो सवाल इधर से आया कि उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र, मैंने जो बातें आपको पहले कही थी जी कि तटीय और हिमालयन क्षेत्र को छोड़ के और देश के कृषि को सीधे सीधे दो हिस्से में बांटा जा सकता है जी। तो हमारे सामने समस्याएं भी उसी तरह आ रही है जी। हमारे पास वो आधारभूत संरचना अभी तक नहीं है जो हमारे पश्चिम और दक्षिण के राज्यों में है जी। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो एक सवाल आया जी कि हम किस तरह से भंडारण और बाकी का काम करेंगे जी, और ख़ास करके पिछड़े इलाके में, तो आपको ध्यान में डालना चाहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जी भारत सरकार नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ये एक प्रोग्राम चला रही है जी, और उसके तहत हम लोगों ने किसान संपदा योजना एक अभियान छेड़ा है, और इस किसान संपदा योजना के तहत खेत से रिटेल तक बाजार तक के गैप को दूर करने के दृष्टि से जो भी आधारभूत संरचना थी, खास करके जो हम ई मंडी विकसित कर रहे हैं, अब एक सवाल ये उठता है कि जब हमने ई मंडी विकसित कर दिया जी और हमारे गांव में ई सुविधा है ही नहीं, तो ये कैसे सक्सेस होगा। तो इसीलिए ये जो 2022 का संकल्प से सिद्धि तक का जो हम कार्यक्रम चला रहे हैं जी वो सभी पक्षों को साथ लेकर चल रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने ये लक्ष्य तय किया है कि 2019 तक खास करके मैं लातेहार और पलामू और चतरा जो सबसे पिछड़े क्षेत्र हैं जी वहाँ ये ध्यान में डालना चाहूँगा कि हम लोग सभी पंचायतों को ई कनेक्टिविटी से युक्त कर देंगे, उस पर काम BSNL और पावर ग्रिड के नेतृत्व में चल रहा है जी। स्टूडेंट्स ने सवाल किए हैं कि किस तरह से उनकी उपयोगिता को शामिल किया जाना चाहिए, रोजगार के एक आयाम तो होने ही चाहिए उनके साथ, तो किस तरह से जब आप काम करते हैं तो ग्राउंड में आपको किस तरह की चीज़ें लगती है जिसको कि मजबूत करने की जरूरत है। देखिए, गांव का उन्नति गांव वाले कर सकता है जी, किसान का उन्नति किसान को ही कर सकते हैं, किसान का उन्नति बाहर से हम लोग थोड़ा मदद कर सकते हैं लेकिन हम लोग नहीं कर सकते, इसके लिए किसान लोग का जागरूकता, उन लोग का भागीदारी, साथ साथ उन लोग का एक साथ यूनाइटेड होना ये बहुत जरूरी है। एवं किसान में हमने मालूम है महिला किसान का संख्या ज़्यादा है, किसान महिला लोग का भागीदारी भी ज़्यादा है, इसलिए गांव लेवल में ऐसे ही जी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है इसका बहुत बड़ा अहम भूमिका निभा रहा है और निभा सकते, जो पोटेंशियल बहुत है जी। जो SHG को है इनका सशक्त करना, इनके एक एक गाँव में हम देखता है 50,000 शुरू कर 5 लाख 7 लाख का रुपये उनके पास में है, जो उनका अपना बीच में लोन दे रहा है, बैंक के पास जाने की जरूरत नहीं है, उन लोग का थोड़ा ट्रेनिंग देना, उन लोगों के साथ साथ थोड़ा मार्केटिंग का थोड़ा लिंक अप करना बहुत अच्छा होगा। अच्छा, आयुक्त तो जो हम लोग सांसद साहब जो बताया है इम्पोर्टेंट है, जो ड्रॉप आउट है
जो 8 पास के बाद बहुत बच्चे ड्रॉप आउट ड्रॉप किया, 10 के बाद ड्रॉप आउट किए, इसके लिए हम लोग दिव्यांग रामकृष्ण मिशन दिव्यांग किसी भी केंद्र माध्यम से जो नया योजना लिया है, जो लड़का 10 के बाद पढ़ाई छोड़ देगा, 8 के बाद पढ़ाई छोड़ दिए, उन्हें राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय एनआरएस का जोर दिए, तो जो विद्यालय शिक्षा हो गया, साथ ही साथ हम लोग दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्रों में खेती बागवानी पशुपालन बड़ाईगिरी इलेक्ट्रिशियन सब प्रशिक्षण होता है। तो मालिक एक जो पहले भी बताया था, मतलब वही है कि आप जो कह रहे हैं कि कृषि के विभिन्न डायमेंशन पे काम करने की जरूरत है, यूथ को उसमें जोड़ने की जरूरत है, और साथ ही साथ रोजगार के जो आयाम होंगे तो किसान कारीगरी शिक्षा होनी चाहिए। हम सॉइल हेल्थ कार्ड पे थोड़ा सा एक क्विक रिएक्शन लेना चाहते हैं कि किस तरह से आपको लगता है कि पिछले 3 सालों में जो सॉइल हेल्थ कार्ड के जरिए जो एक बदलाव दिया गया था उसमें कुछ पॉजिटिव नतीजे आपके सामने आए हैं, तो जरा उसमें हमको कुछ आप शेयर कीजिए। नहीं, मैं दो चीज बताना चाहता हूँ कि जैसा कि अभी माधव जी ने यहाँ पर कहा कि सॉइल हेल्थ कार्ड का तो नतीजा काफी बेहतर यहाँ पर निकला है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और किसान इसका लाभ भी यहाँ पर उठा रहे हैं, तो इस दिशा में हम लोग जो है काफी अच्छा काम कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग अथॉरिटी ऑफ झारखंड की तरफ से। और इसमें सबसे पहले ये चीज है कि राज्य सरकार ने इसको जो है बहुत प्राथमिकता लेते हुए ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर काम कर रही है। पिछले 12-13 में आपने देखा होगा कि हम लोग यहाँ पर 26,000 हेक्टेयर में ऑर्गेनिक फार्मिंग सिस्टम का कार्य शुरू किया था। इसके बाद इस फाइनेंशियल ईयर में हम लोगों ने 20,000 का लक्ष्य रखा है ताकि किसान को जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग के रूप में एक पहचान मिल सके राज्य सरकार को। और दूसरी तरफ हम लोगों ने एक और अच्छा काम किया है कि जो भी हमारे बहुत से बच्चे बोल रहे थे यहाँ पर, बहुत से हमारे नेचुरल ऐसे फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं कि जिसको हम लोग उपयोग कर रहे हैं यहाँ पर अभी झारखंड में, और उसका सर्टिफिकेशन भी हम लोग करा रहे हैं नेचुरल प्रोड्यूस का, ताकि किसानों का उसका जो है अधिक से अधिक दाम और अच्छा लाभ मिल सके किसानों के बीच में। तो इस दिशा में भी जो है राज्य सरकार काफ़ी काम कर रही है। और महतो जी ने एक प्रश्न लिखाया था कि 2022 क्यों, तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि राज्य सरकार ने जो किसानों का लक्ष्य दुगुना करने का लक्ष्य आय रखा है, वो हम लोगों ने राज्य सरकार ने 2020 तक ही रखा है कि 2020 तक ही हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, और इस दिशा में काफी तेजी से हम लोग काम कर रहे हैं। राजीव जी, हमने सुना, नहीं आपकी बात हमने सुना, आपने राज्य सरकार किस तरह से उसमें योगदान करेगी, भारत का जो नए भारत की परिकल्पना प्रधानमंत्री जी ने किया है उसमें राज्य सरकार किस तरह से कदम ताल मिलाएगी, ये हमने आपकी जा रहा। अब हम आपके चलते गतिशील किसान है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के जरिए एक नई क्रांति यहाँ पर ला रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप थोड़े से उस आइडियाज को शेयर करें जो किसान अपनाएं और उसके जरिए आपको लगे कि नए भारत का निर्माण हो सकता है। सर, हम आपके पास आएंगे, महतो जी से पहले कमेंट लें। हम तो किसानों को यही सलाह देना चाहेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग में, कि आप अगर यदि ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो आपका जो जमीन जो उपजाऊ शक्ति है जी, क्योंकि हमको जमीन से तो हमेशा उपजाऊ लेना है, अगर हम ज़्यादा रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं तो मेरा उर्वरा शक्ति उसे ह्रास हो जाता है, लेकिन अगर हम जैविक रूप में अगर खेती करते हैं तो मेरा जो उर्वरा शक्ति है हमेशा कायम रहेगा, और आने वाला समय में उसे हम हमेशा उसे लाभ ले सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि कृषि का बहुत सा पहलू है और विभिन्न क्षेत्र है, जैसे कि बागवानी है, फिशरी है, वेजिटेबल है, जो भी विभिन्न क्षेत्र है, विभिन्न क्षेत्र है, जो भी विभिन्न क्षेत्र है, ठीक है। महतो जी, हमने समझ लिया कि आप किस तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग के जरिए चाहते हैं कि किसानों का उत्थान। हम वीसी साहब के साथ पास चलेंगे। सर, एक क्विक रिएक्शन हम चाहते हैं, बच्चे ने बहुत सारे कुछ यूथ पीढ़ी जो हमारी है हमारे सामने अपने पक्ष रखे हैं, अपने सवाल रखे हैं, हम चाहते हैं कि आप इस पर क्विक रिएक्शन अपना दें। हमारा जो उद्देश्य है समग्र विकास किसान भाई बहनों का जी, समग्र विकास की केंद्र बिंदु है जी, उसकी इतनी सारी बातें आज हुई हैं जी। तो सबसे पहले समग्र विकास के लिए किसान की आवश्यकताएं क्या हैं उसको समझ के काम करना है। सब उत्तम बीज, बीज की बात हुई जी, वो हमारे यहाँ झारखंड स्टेट में अभी तक हम जितनी रिक्वायरमेंट हमारे किसान की है सर्टिफाइड सीड की, वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। 4,00,000 टन की आवश्यकता है सर्टिफाइड बीज। जब ये गुणवत्ता पूर्वक बीज ससमय हमारे किसान को मिल जाएगा तो उत्पादन अपने आप ही बढ़ेगा। तो इसके साथ दूसरी बात यह है, बीज के अलावा हम प्लांटिंग मटेरियल, जैसे कि हॉर्टिकल्चर की बात अभी कर रहे थे, आपको जानकारी होगी कि हमारे जो कृषि क्षेत्र में तो 11% की दर से विकास हुआ पिछले 10 वर्षों में, 133% जी। बागवानी में बहुत कम है, बागवानी में जो है 3% जी की दर से विकास हुआ,
तो बहुत बड़ा गैप है और हमारी जो फलों की है 50% की डेफिशिएंसी है इस स्टेट में, दुगना करने की बात करते हैं। इस बागवानी क्षेत्र में बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। पपीता एक एग्जांपल दें, आप कहते हैं 4 साल, 1 साल में फल देना शुरू कर देता है। तो ऐसे हमें ऐसे फलदार वृक्ष कृषि में जोड़ने होंगे जो बागवानी के क्षेत्र में एक क्रांति लाए इस प्रदेश में लाने के। उसमें बागवानी के साथ जैसे अभी बात की हमारी वानिकी के छात्र थे वो भी बात कर रहे थे, और वृक्ष भी हैं क्योंकि झारखंड है इसमें वृक्ष को महत्व दी जाती है, वो जुड़े जहाँ कृषि वानिकी की बात होती है। पशुपालन वेटनरी से बच्चे आए थे, उन्होंने भी ये प्रश्न किया था। तकनीकी जो क्वालिफाइड यूथ हमारे पास अवेलेबल है इसको एकदम जितना शीघ्र हो सके इसको इस कार्यक्रम में जोड़ने की जरूरत है। ठीक है, तो हम बात वीसी साहब परविंदर कौशल जी बता रहे थे कि किस तरह से यूथ को भी जोड़ने की जरूरत है और किसानों की आमदनी को 2022 तक दोगुना करने के लिए किस तरह के आयाम होने चाहिए और किस तरह के रोजगार के अवसर बनने चाहिए और किसानों को किस तरह से जागरूक किया जाना चाहिए, ये सब भी आज हमारे एक्सपर्ट और साथ ही साथ हमारी जो भारत की नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, और जो रिसर्च के साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने भी अपनी राय रखी है, किसानों ने अपनी बात रखी है। तो हम ये कह सकते हैं कि 2022 की प्रधानमंत्री की जो परिकल्पना है कि किस तरह से किसानों की आमदनी दोगुनी हो और भारत एक नए भारत कि दहलीज पर जो भारत खड़ा है उसे 2022 तक नए भारत का निर्माण हो, उसमें किसानों की बड़ी भूमिका होगी और किसानों की आमदनी जब दुगनी होगी तो एक भारत की नई तस्वीर खुद ब खुद उभर कर सामने आएगी। हमारे साथ जितने एक्सपर्ट थे उनका हम एक बार धन्यवाद करते हैं। दूरदर्शन की पूरी टीम की तरफ से आपको मैं धन्यवाद करता हूँ सर, आप हमारे लिए स्टूडियो में आए। साथ ही साथ हम उन यूथ पीढ़ी का भी धन्यवाद करते हैं जो अपने विभिन्न पहलू और विभिन्न आयामों और साथ ही साथ अपने नए आइडियाज के साथ हमारे सामने थे, तो हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। तो दूरदर्शन की पूरी टीम को इजाजत दीजिए, नमस्कार। नव भारत का निर्माण करेंगे हम लोग मिलकर इस परिकल्पना के साथ और किसानों की आमदनी दोगुनी।